हे गाइस, आई एम अरुण राय। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रेजी स्पोर्ट्स बार। और सभी इंडियन फैंस के लिए खुशी की खबर है बैडमिंटन वर्ल्ड से। इंडिया की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल का मुकाबला जीत लिया है और इसके साथ ही वो फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बन गई है जिनके पास वर्ल्ड बैडमिंटनशिप में गोल्ड मेडल का खिताब है। उन्होंने फाइनल के मुकाबले में जापान की नायोजोमी ओकुहारा को 21-7 से हराकर एक डोमिनेटिंग फैशन में मैच जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने 2017 में ओकुहारा के खिलाफ हुई अपनी हार का भी एक तरीके से बदला ले लिया है। और इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल के मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 3 शेन यू फी को 21-7 से मैच में को हराकर अपनी जगह फाइनल मुकाबले बनाई थी। और इसके साथ ही पीवी सिंधु अब वर्ल्ड की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई जिनके पास 5 मेडल हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जिसमें उनके पास अब एक गोल्ड मेडल, इससे पहले 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। वहीं मेन सिंगल्स में इंडिया के स्टार खिलाड़ी साई प्रणीत प्रकाश पादुकोण क्या दूसरे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बने जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। वो अपना सेमीफाइनल का मुकाबला कैंटो मोमोता से 13-21 और 8-21 से हार के इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वहीं इंडियन टेनिस फैंस के लिए भी गुड न्यूज़ है। हिस्ट्री में पहली बार यूएस ओपन के फर्स्ट राउंड में इंडिया के 2 खिलाड़ी सुमित नांगल और प्रजनेश गुणेश्वरन ने जगह बनाई है। अपने क्वालिफायर मुकाबले में सुमित नांगल ने ब्राज़ील के जाओ मेनेजेस को 5-7, 6-4, 6-3 से हरा करके फर्स्ट राउंड में जगह बनाई और अब उनका मुकाबला टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर से है। इस मैच में वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जिससे वो सीख करके आगे चल के इंडिया के लिए स्टार खिलाड़ी बन सकते हैं। वहीं प्रजनेश गुणेश्वरन का पहला मुकाबला फर्स्ट राउंड में सिनसिनाटी ओपन के चैंपियन डैनियल मेडवेडेव से है। वो भी अपने इस मुकाबले में मेडवेडेव को कड़ी चुनौती देना चाहेंगे। तो आपको आज का मेरा एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक इज मेंशन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।